खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बधाई हो कम बजट फिल्मों ने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर किया राज। साल गुजरता रहा, मूड बेहतर रहा, आप उठती रही देवभूमि में 10 महीनों में 292 रेप और 87 मर्डर। मुंबई साल 2018 फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट के लिहाज से काफी खास और शानदार साबित हुआ। कम बजट के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल पर धमाल करने वाली कुछ फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि फिल्मों का कंटेंट अगर अच्छा हो तो उसे किसी बड़े बैनर, बड़े बजट या फिर बड़े स्टार फेस की भी जरूरत नहीं होगी। शिमला शांत कही जाने वाली देवभूमि में भी अब महानगरों की तर्ज पर आपराधिक वारदातें बढ़ने लगी है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी व मानव पदार्थों के मामलों में पुलिस प्रशासन वर्ष 2018 में भी विराम नहीं लगा सका। साल भर खून बहता रहा और आग उठती रही, या यूं कहें कि हर तीसरे दिन हत्या व हर दूसरे दिन महिलाओं के अपहरण व बलात्कार की घटनाएं होती रही। साल 2018 में देवभूमि में 87 कत्ल और 292 बलात्कार, 411 अपहरण, 620 चोरियां, 534 तेलमारी, 8 लूटपाट की घटनाएं और 53 जाने देने की कोशिश करने के मामले सामने आए। कहने को तो इस पहाड़ी प्रदेश में जुर्म का ज्वालामुखी अदा गदा ही फूटता रहा है, लेकिन वर्ष 2018 के 10 माह में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो आपराधिक वारदातों में फिर भी कमी नहीं आई। हर वर्ष की तरह कांगड़ा आपराधिक वारदातों में नंबर वन रहा है। साल 2018 के 10 माह में पूरे हिमाचल में कत्ल के 87 मामले दर्ज किए। देवभूमि में खून की काली पोस्टरी में इस बार कांगड़ा नंबर वन व शिमला दूसरे स्थान पर रहा। खबरों में इतना ही। एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर।